ऑनलाइन सीखने के तरीका जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है तो आप न्यू एटीएम कार्ड लेने के लिए नेट बैंकिंग के थ्रू से कैसे अप्लाई करेंगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा अभियान। चलिए शुरू करते हैं। नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आपको ई सर्विसेज में जाना है। वहाँ के बाद आपको एटीएम कार्ड सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें न्यू एटीएम कार्ड का एक्टिवेशन तब जरूरी है जब आपके पास एटीएम कार्ड आ जाए। मैं रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ दो ऑप्शंस है, वन टाइम पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड। मैं प्रोफाइल पासवर्ड का यूज़ करता हूँ। यहाँ अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट करता हूँ मैं। उसके बाद आपके पास ऐसा ऑप्शंस आएगा, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। वो नाम जो आप अपने कार्ड पर लिखवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेगा अपना कार्ड सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे एटीएम कार्ड के। इसके बारे पे आपको सारा जानकारी नीचे पे दिया गया है, आप उसे क्लिक करके देख लीजिए। उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वीज़ा डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद सबमिट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि मैंने दोनों अकाउंट पे सेम अकाउंट नंबर चूज़ कर लिया है, वो टिक मुझे वहाँ से हटाना होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा आप कि वो टिक हटा दें यहाँ से। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक बार ऐसा प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि सक्सेसफुली ये आपने अपना रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड कर लिया है, जिसमें आपको 7 to 8 वर्किंग डेज के अंदर आपके घर पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको एटीएम कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।